From Maharashtra Legislative Council seat in Nagpur, what makes the results a huge blow for the BJP is that the constituency houses of uh, Devendra Patna West of uh, Nitin Gadkari. At the same time, it has the RSS headquarters. Uh, he lost by more than seven thousand votes. Uh, he lost by more than seven thousand votes. The Live TV, such Sabse Aage. दोस्तों दी लाइव टीवी देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूं आदिल खान आजाद देश में इस वक्त अडानी अडानी का जो शोर मचा हुआ है उसके बीच एक खबर दब गई जिससे आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं महाराष्ट्र से है ये खबर जहां पर विधान परिषद की सीटों पर चुनाव हुआ है एमएलसी जिसे आप जानते हैं वहां पर बीजेपी को इतना बुरा झटका लगा है कि आप पूछिए मत कांग्रेस और एनसीपी इन सबका जो महाविकास अघाड़ी जो गठबंधन है उसने बीजेपी की जैसे कमर तोड़ के रख दिए और आर के गढ़ में बीजेपी को बुरी तरीके से शिकस्त नसीब हुई है आप समझ लीजिए कि नागपुर में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है जो बीजेपी के कंटेंडर कंटेंडर थे उन्हें आधे या उससे कम या उसके आसपास मार्जिनल वोट मिले हैं कांग्रेस के प्रति जो उनका प्रतिद्वंदी था कैंडिडेट था उसके मुकाबले यानी नागपुर जो गढ़ है आर का जो मुख्यालय है जहाँ पर आर का जहाँ से देवेंद्र फडनवीस आते हैं जहाँ से नितिन गडकरी साहब आते हैं इतने प्रोमिनेंट नेता आते हैं बीजेपी के वहां पर भारतीय जनता पार्टी सीट हासिल नहीं कर पाई चुनाव हार गई बुरी तरीके से फजीहत हो रही है आप देख लीजिए पहले ट्वीट मोहम्मद आबिद अली हैं ब्रेकिंग लिखते महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में कांग्रेस का सुपड़ा साफ अब ये कांग्रेस ने किया सुपड़ा साफ ये जो है या फिर क्या लिखना चाह रहे हैं ये लिख रहे हैं कि कांग्रेस ने नागपुर एमएलसी चुनाव और अमरावती एमएलसी चुनाव जीता है महाराष्ट्र में भाजपा की सफाई की पटकथा विदर्भ से लिखी गई है तो विदर्भ में सूफड़ा कांग्रेस का साफ नहीं हुआ कांग्रेस ने साफ किया है मोहम्मद आबिद भाई हिंदी ऐसे लिखी जाती है साउथ को कोलकाता कांग्रेस सेवा दल जो है कांग्रेस का सेवादल उसने ट्वीट किया है कांग्रेस पार्टी ने नागपुर एमएलसी चुनाव जीतकर उसे भाजपा से छीन लिया अभी हिंदी मीडिया में ये खबरें नहीं छपी दोस्त जब तक हम आपको दे रहे हैं इंग्लिश मीडिया में है या फिर ट्विटर पर है कांग्रेस पार्टी अमरावती एमएससी चुनाव भी जीत रही है और इसे बीजेपी से छीन रही है हम आपको बता रहे हैं अमरावती चुनाव जीत लिया है कांग्रेस ने महाराष्ट्र में कांग्रेस को जबरदस्त बढ़त आर वालों अपनी चट्डी अच्छे से पकड़ कर बैठो दो में भी यही होने वाला है पटकथा लिखी जा रही है लोकपोल ने भी जो है उस वक्त दिया था महाराष्ट्र एमएससी इलेक्शन जो है उन्होंने बताया था कहाँ से कौन लीड कर रहा है कोंकण कौन टीचर इसमें एक सीट थी आ, एक औरंगाबाद टीचर्स के लिए सीट थी नागपुर टीचर्स के लिए जो एक सीट थी या वहाँ से कैंडिडेट होने वाले थे अमरावती ग्रेजुएट ऐसा मतलब सीट का ये कोई लोकेशन का नाम नहीं है वहाँ से कुछ ग्रेजुएट सीट कुछ टीचर्स की एम के होते हैं यहाँ पर जो है शिक्षक भी जाते हैं तो ये जो है एक दो तीन चार की जो है और पाँच की चार सीटों पे था इसमें कांग्रेस को और उनके जो साथी हैं उन्हें लीड मिल गई है बीजेपी सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल कर पाई है और इसकी वजह से उनकी बड़ी बड़ी थूतू थूथू थूतू हो रही है अभी फिलहाल लोकपोल प्रडिक्शन फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इन्होंने लोकसभा इलेक्शन के लिए भी किया था वो खैर हम बाद में बताएंगे उसकी बात नहीं करेंगे अभी और जो है फिलहाल आज हम एम चुनाव पर ही रहेंगे जो हो रहा है उसके बारे में आपको इंग्लिश एनडी की हेडलाइन देख लेनी चाहिए बिग ब्लो फॉर बीजेपी इन नितिन गडकरी देवेंद्र फडनविस होम टफ यानी नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस के गढ़ में उनके शहर में बीजेपी के लिए बहुत बुरी खबर उनका साफ हो गया भयंकर तरीके से जलालत वाली हार हुई है यहां लिखा है द महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल एम विधान परिषद इलेक्शन सौ द एम वी सुधाकर अब अदबाले वेन नागपुर टीचर सीट नागपुर टीचर सीट जो है वो एम वी ए महाविकास अघाड़ी एनसीपी शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली और कांग्रेस वाली इन्होंने मिलकर ये जीत ली है डिफीटिंग द बीजेपी बैक नागोगानर बीजेपी की तरफ से जिन्हें नागोगनर जो थे उन्हें समर्थन था वो हार गए बुरी तरीके से उन्हें बहुत शर्मिंदगी वाली हार नसीब हुई है इन अ मेजर इलेक्टोरल सेटबैक फॉर द बीजेपी इन वन ऑफ इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बैशंस द कैंडिडेट फॉर द अपोजिशन महाविकास अघाड़ी को ऑन थर्सडे डिफीटेड द पार्टीज कंटेंडर इन पोल्स टू अ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल सीट इन नागपुर नागपुर में महाविकास के जो उम्मीदवार थे उन्होंने बहुत बुरी तरीके से अपने प्रतिद्वंदी को हराया और प्रतिद्वंदी थे बीजेपी से बैग्ड जिनका हम नाम आपको बता चुके हैं एक नाथ शिंदे ने जो बगावत की विधायक ले गए उद्धव ठाकरे की कुर्सी गिरा दी यहाँ सब लिखा है और जो है उन्होंने सरकार बना ली वो खुद मुख्यमंत्री बन गए कैसे हैं वो सब रोज तस्वीरें आती है देवेंद्र फडणवीस ही सरकार चला रहे हैं कहा जाता है बीजेपी और एक नाथ शिंदे बागी गुट ने सरकार बना ली ताकत मशीनरी उनके पास थी लेकिन जनता का दिल एमवीए के साथ था कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ था उन लोगों ने बीजेपी को मजा चखा दिया यहां लिखा है स्टेट आफ्टर शिवसेना डिसीडेंट एक नाथ शिंदे डिस्प्लेस चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे साइडिंग विद बीजेपी इन जून द इलेक्शन सुधाकर टीचर्स सीट डिफीटिंग द बीजेपी बैग नागोनर यह सब कुछ है लाइव आप जी न्यूज की महाराष्ट्र से जीते हैं ये बीजेपी के एम बी एज सुधाकर अटबोले डिफीट बीजेपी उनका लिखा है मोर देन सेवन थाउजेंड वोट इन नागपुर उनको सात हजार से ज्यादा वोटों से डिफीट दी उन्हें सात ही आठ हजार पढ़े थे जो बीजेपी वाले थे और उनको मात्र सात आठ हजार सात हजार से ज्यादा वोटों से हुई सोचिए आधे आध का फासला था इतने लोगों ने नकार दिया वहां पर बीजेपी आई एन एस सिंधी लिखता है महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ सहयोगी भारतीय जनता पार्टी ने कोंकण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएससी सीट जीत ली है हालांकि आधिकारिक घोषणा की प्रतीक्षा की जा रही है सिर्फ कोंकण जीते हैं अमरावती हार गए नागपुर हार गए और दूसरी तीसरी भी सीट आपको बताएंगे अविनाश काब्दे लिखते हैं नागपुर एमएससी चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की और उसे भाजपा से छीन लिया भाजपा के पास ये सीट हुआ करती थी भाजपा का जो है बुरी तरीके से चिथड़ा चिथड़ा हो गया है शामियाना कांग्रेस पार्टी अमरावती एमएससी चुनाव भी जीत गई है इसे बीजेपी से छीन रही है ये लिख रहे थे लेकिन हम बता रहे हैं कंफर्म हो गया जीत गई है महाराष्ट्र में कांग्रेस को जबरदस्त मिली है महाराष्ट्र नहीं ये एम की बात है यानी बीजेपी को उसके और को उसकी विकास की बातों को उसके बड़े बड़े वादों को जनता ने हरा दिया है जनता ने आईना दिखा दिया है और बुरी तरीके से हार बताती है कि बीजेपी की हवा खराब है संगठन को और काम करना पड़ेगा क्योंकि जनता में इस वक्त महंगाई बेरोजगारी को लेकर नाराजगी है सिर्फ वादे जनता का मन बदल नहीं सकते फिर ऊपर से अडानी कांड चल रहा है उसके ऊपर से बजट में भी आम जनता को कुछ मिला नहीं है अविनाश ने एक ब्रेकिंग दी थी कि महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र से कांग्रेस कांग्रेस का साफ है ने नागपुर एमएलसी चुनाव और अमरावती एमएलसी चुनाव जीता है देखिए ये बात की है खबर अमरावती और जो है एमएलसी नागपुर का चुनाव जीती नागपुर कितना अहम है दोस्तों तो? बीजेपी की मातृ संस्था है आर एस का मुख्यालय आर का गढ़ है नागपुर इसी गढ़ से आरएसएस के दो प्यारे जो बीजेपी में इस वक्त नितिन गडकरी जो कभी भाजपा के अध्यक्ष भी रहे वो तो केंद्र मंत्री हैं पिछली सरकार में भी इस सरकार में भी वो आरएसएस के चाहते हैं इसीलिए मोदी सरकार में वरना कुछ लोग कहते वो नहीं होते जिस तरीके से उनकी साफ जुबानी है लेकिन उनका भ्रम नहीं था कि वो अपने गृह क्षेत्र में अपने गृह नगर में या गृह जिले में नागपुर में भाजपा को जिता पाते नितिन गडकरी नहीं जिता पाए चले मान लेते देवेंद्र फडनवीस तो मोदी और अमित शाह लॉबी के भी थोड़े बहुत करीब हैं और आर के भी थोड़े बहुत करीब हैं दोनों तरफ से करीबियत है कुर्बत है वो भी नहीं जिता पा। और वो अभी महाराष्ट्र की पावर में है डिप्टी सी है भाई साहब और लोग तो कहते हैं असली सीएम वही है सुपर सीएम है वो नहीं जीता पाए नागपुर में अपने गृह जिले में अब क्या सवाल जवाब तलब होगा गडकरी साहब और देवेंद्र फडनवीस से भैया नाग यहाँ से नहीं यहाँ से कटी है मत्थे के पास से जहाँ से मुड़ रही है आप लोग क्या कर रहे थे नागपुर हार गए सीट छिन गई भैया तो ये सब हो रहा है मनजीत सिंह घोषी बोल रहे हैं महाराष्ट्र कांग्रेस को बधाई संघर्ष की जीत हुई एकता की जीत हुई अगला कदम प्रधानमंत्री चुनाव है प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता लोकसभा का होता है मेंबर प्रधानमंत्री चुनते हैं खैर उनकी मंशा वही थी प्रधानमंत्री चुनाव है सब मिलकर बीजेपी का नामो निशान मिटा देंगे और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है ये कांग्रेस के सपोर्टर होंगे इनकी जो भाषा है उससे ये जाहिर होता है जी न्यूज की एक हेडलाइन है हिंदी एमएलसी वोट काउंटिंग महाराष्ट्र विधान परिषद की पांचों सीटों के लिए मतगणना जारी है पांच सीटों पर एमएलसी का चुनाव हुआ था किसके हाथ लगेगी जीत की बाजी हमने तीन सीटों का आपके सामने बिल्कुल जो है शामियाना खोल के रख दिया है अमरावती और नागपुर कांग्रेस ने छीन लिए हैं महाविकास अघाड़ी के यूं कहिए कि जो प्रत्याशी थे उन्होंने बीजेपी से छीन ली है और बीजेपी को सिर्फ अभी कोंकण तक धकेल दिया है और वहां से जो बीजेपी के लिए खबर आ रही है वो ये के वहां अब बीजेपी के लिए हवा खराब है क्योंकि मैंडेट जो था विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो वो महाविकास आघाड़ी के लिए था लेकिन बीजेपी ने उसमें सेंधमारी की कहा जाता है एक नाथ शिंदे को अपना मोहरा बनाया एक नाथ शिंदे ने बगावत की नकब लगाई सत्ता में और कुर्सी ले गए अपने साथ यानी विधायकों की गिनती तो फिलहाल क्या जनता उस बात की सजा बीजेपी को दे रही पता नहीं आप बताइएगा कि इस खबर को देखकर आपके क्या समझ में आया जय हिंद लाइव टीवी सच सबसे आगे